तो स्टार्ट करेंगे, प्लीज वेलकम स्टेज अजय। बेसिकली मेरे जो जोक्स हैं वो सोशल जस्टिस पे हैं, ठीक है। आपको पता है इस देश में अगर आप किसी सर्टन कास्ट में पैदा होते हैं, यानी अगर आप निचली जाति में पैदा होते हैं, तो भारतीय समाज आपको गरीब रखता है, आपका शोषण करता है और सामाजिक बहिष्कार तो एक आम बात है। आपको लगता है कि इस देश में ऐसा कुछ होता है? हाँ, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होता वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले को आर्टिस्ट समझते हैं। उनकी भारतीय समाज से फिर उतनी ही दूरी है जितनी अर्जुन कपूर की अच्छी एक्टिंग से और नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के वोटों से। किस किसी ने सुपर 30 मूवी देखी है? ऋतिक बोलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। उसका खुद का बाप सुपरस्टार था। अब शाहरुख खान का बेटा वो एक्टर ही बन सकता है? वो इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता क्योंकि वहां पे ड्रग्स टेस्ट होते हैं। उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। बाय द वे, आई एम नॉट अगेंस्ट द नेपोटिज्म। मुझे पता है कि एक बाप अपनी प्रॉपर्टी बेटे को ही देगा, है ना, जैसे इंडियन क्रिकेट अमित शाह ने जय शाह को दिया। पर बाप का माल होना चाहिए ना, देश का नहीं, है ना। वैसे सबको हीरो बनने का मौका तो मिलना चाहिए ना, है ना, एग्री हो सब? आपको पता है 22 करोड़ की दलित पॉपुलेशन से इस देश में, 22 करोड़ की दलित पॉपुलेशन से एक भी बॉलीवुड का सुपरस्टार नहीं आता, क्योंकि जो भारतीय समाज दलितों को अपने घर के अंदर नहीं आने देता, वो उनको देखने के लिए घर से बाहर जाए क्यों, है ना। तभी तो इस देश में अपर कास्ट बनती है लव स्टोरीज और दलितों बनती है डॉक्यूमेंट्रीज। सच में भाई, मैं चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर रखा है, आरक्षण पता आपको, रिजर्वेशन, जैसे गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर रखा है, क्यों ना हम भारत सरकार से बोलकर बॉलीवुड के अंदर भी आरक्षण की मांग करें। कितना सही रहेगा ना, हर पांचवी मूवी में एक दलित हीरो होगा, एक एसटी हीरोइन और ओबीसी सपोर्टिंग कास्ट, और विलन जो होगा वो जनरल कैटेगरी का होगा। और विलन ना कभी हीरो को मारेगा नहीं, क्योंकि अनटचेबिलिटी तो कुछ चीज होती है ना। विलन हीरो को फोन करता है कि तेरी माँ मेरे कब्जे में, अगर जिंदा चाहता है तो 20 लाख रुपए लेके मंदिर आ जा। दलित हीरो मंदिर आएगा, माँ को बचाएगा और चुपचाप लेकर चला जाएगा। पर जब गांव वालों को पता चलेगा कि दलित मंदिर आया था, तो सबसे पहले वो मंदिर धोएंगे, फिर वो भगवान को धोएंगे, फिर वो दलित को धोएंगे। और पिक्चर का नाम क्या होगा कि ऐ भगवान अगले जन्म मुझे क्रिश्चियन पैदा करियो, ताकि मंदिर आ सको। अगर रिसेंटली उत्तराखंड में एक स्कूल में बच्चों ने एक दलित औरत के हाथ के बने मिड डे मील के खाने को खाने से मना कर दिया, तो सरकार ने इस पर कदम उठाए और उस औरत को नौकरी से निकाल दिया। सच में फिर सेम घटना हुई जहाँ पे दलित बच्चों ने अपर कास्ट औरत के हाथ के बने मिड डे मील के खाने को खाने से मना कर दिया, तो सरकार ने यहाँ भी कदम उठाए और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। नहीं नहीं गाइस, बच्चे भी स्कूल में ही हैं, बट 1.5 साल से भूखे हैं। सच में उनकी मांग थी कि उनको एक दलित को खार कर दो, जो सरकार ने नहीं मानी। फिर उन्होंने एक और मांग रखी कि हमको ब्राह्मणों के हाथ से खाना खिलवा दो, तो सरकार ने उनकी बात मान ली और एक दलित को हायर कर लिया। क्योंकि आपको पता है ना, इस देश में ब्राह्मण दलितों को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकता। क्यों नहीं खिला सकता सर? मानते हैं ना, 100% मानते हैं ना।
सच कह रहा है वो, बट अगर ब्राह्मण दलितों को अपने हाथ से खाना खिलाएगा ना तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा। और हिंदुस्तान में अच्छे इंसान उतने ही हैं जितने सुप्रीम कोर्ट में दलित जज, 22 करोड़ में से एक भी नहीं। सच में पता है, इस देश में अपर कास्ट की दलितों से रिश्ते बनाने में उतनी ही दूरी है जितनी सलमान खान की शादी करने से। सच में मेरे दो दोस्त थे, दोनों कॉलेज में कपल थे, दोनों ने रिसेंटली अपनी अपनी कास्ट के अंदर अरेंज मैरिज कर ली। मेरा दोस्त बोलता है कि पापा ना कास्ट के बाहर शादी करने की परमिशन नहीं देते। मैंने कहा वो गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन भी नहीं देते? कभी बाप से पूछा था कि पापा लड़की लेके ओए रूम पे जा रहा हूँ? अब बाप बोलती शर्म आनी चाहिए, चार मंजिल का घर है तेरा, रूम पर ले गया। डिफरेंट कास्ट की लड़कियां सेक्स करते बाप ने पकड़ लिया और बोले ओए ठाकुर है तू, अब डॉगी स्टाइल कर। नहीं, जैसे मैम आप सुंदर हैं, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त ना आदिवासी समाज का है, वो कहता है कि आज भी इस देश में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है जिन्होंने हमें शिक्षा के लिए मना किया था। कहता वो अवार्ड कभी नहीं लेता मैं। जैसे मैम आप सुंदर हैं, दोबारा बोलता हूँ ना, ठीक है, आप बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती, वहाँ पे एक फिल्म प्रोड्यूसर आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट करता। औरत के साथ तो होता है ना, है ना, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाती, कोर्ट जाती, कोर्ट में केस जीतती और दुनिया के लिए मिसाल बनती, ठीक है। और भारत सरकार इसके लिए आपको एक अवार्ड देना चाहता है और अवार्ड का नाम है आसाराम बापू अवार्ड। देने के लिए खुद बॉलीवुड से साजिद खान आ रहा है। आप खुद बोल रहे प्लीज डोंट टच मी, आई एम अनटचेबल।